बेडरूम में जब सब रहनुमा लोग थे सबसे पहले द्रावू साहब को उन्होंने माला पहनाई। द्रावू साहब को कहा कि शुक्रिया, आपका शुक्रिया कि हमें 520 साल से, लेकिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में वो काम लेते हैं। मैं किशोर कुमार का टेलर स्टेशन का सेवा ऑपरेटर किश्तवाड़ में रहा हूं, लेकिन हमने जब देखा कि ये घर से बाहर आए जिंदा, ये पता ही नहीं कि हमारी नौकरी कहाँ है। मुलाजम साथियों, आपको मालूम होना चाहिए जो आपका एहतजाज यहाँ पे डोडा में चल रहा है, आपकी क्या डिमांड्स हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले जो आज हमारा एहतजाज यहाँ पे है, ये आज जुमे में ही जो लेबर डे पूरे हिंदुस्तान और पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है, और आज उसकी एक तकरीब हमने डोडा में भी रखी है, जिसमें 1886 में शिकागो के अंदर मजदूरों पे गोलियां चलाई गई और उनको खरीद पेश करने के लिए आज हमारा यहाँ प्रोटेस्ट है। उसके बाद जहाँ की अपने आज मजदूर की बात की जाए, डिलीवरीज की बात की, पूरे जम्मू कश्मीर में आज डिलीवरीज जो है वो अपने हकों के लिए रोडों पर है, और पिछले 7 सितंबर से कंटिन्यू पूरे जम्मू प्रांत में हमारे धरने चल रहे हैं, और आज एक जो हमारा धरना भी यहाँ पे है, और यहाँ पे आज खर्जी हकीकत भी शहीदों को पेश करते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि जो सरकारें हमें बनाई आज से पहले जो कोलिशन में PDP या उनके साथ भारतीय जनता पार्टी रह रही, जिन्होंने बहुत बड़े वादे किए थे हम लोगों के साथ कि आपकी जो वेजेस है या जो आपकी पॉलिसी है उसको हम बनाएंगे, और आज हजारों की तादाद में जो फाइलें हैं वो सेक्रेटरी में दूर चाट रही है, वो चीफ लीडर ऑफिस में पड़ी है, लेकिन इस डिलीवरी मजदूर को आज भी दबाया जा रहा है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से फिलहाल तमाम मजदूरों को आज के दिन एक ही मैसेज देते हैं कि एक प्लेटफॉर्म पर आ जाओ, यूनाइट हो जाओ, और आगे जो प्रोग्राम हमारे होंगे बहुत सख्त प्रोग्राम होंगे, और एक नेक्स्ट मंडे को हमारी मीटिंग है जम्मू में, और एक बहुत बड़ा प्रोग्राम देने जा रहे हैं, और पूरी सप्लाई जम्मू प्रोविंस की अगर हमारे मसले हल नहीं होते हैं उसको ठप कर देंगे। अगर आने वाले वक्त में जो कि असेंबली चुनाव भी आने वाले हैं, अगर हमारा मसला हल नहीं हुआ तो हम पूरी तरह से ऐसी ताकतों को जिन लोगों ने हमें अपने वोट बैंक के लिए यूज किया है उन लोगों को उनका रास्ता दिखाएंगे, और उन ऐसी ताकतों को हम जम्मू कश्मीर से उठा के बाहर फेंकेंगे, और यहाँ पे जो मजदूर हैं, जो किसान हैं, जो उसके साथ जो जात तैयारी है, जब तक इनके साथ इंसाफ नहीं होगा, चाहे इनकी आवाज़ में कोर्ट लड़ाई कोर्ट में लड़नी पड़ेगी, हम कोर्ट में लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाना होगा, वहाँ तक भी जाएंगे, और कहीं यहाँ के इस कारवा ने, कहीं यहाँ के इस सिस्टम पॉलिटिकल सिस्टम ने अगर हमें मजबूर कर दिया तो इसकी लड़ाई असेंबली में लड़नी अगर होगी तो उस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है, और जब तक इस मजदूर को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, और आखिरी सांस तक ये लड़ाई लड़ते रहेंगे।